सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दिस इज अनमोल जैन फ्रॉम बुलबुल डेकोरेशन नवरंगपुर। आप सभी लोग कैसे? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे रहोगे। तो गाइस, अभी का सीन ये है कि यहाँ से दर्प लेकर जाना है मंदिर जी। तो गाइस, बैंड बजा के जाएंगे। तो बैंड का है, देखो बैंड यहाँ नहीं नहीं वो होगा, डंडा होगा इसका, नहीं है वही तो बोल रहा हूं, है डंडा लेके तो आया था कल। तो ऐसे ही बैंड बजा कर जाएंगे। ओके, तो कुछ कुछ लेकर जाएंगे, थाली वगैरह। यहाँ से मंदिर जी जाएंगे, यहाँ से अप्रोक्स 1.5 किलोमीटर दूर है। देखो गाइस, बिना स्टिक के बजा रहे हम लोग, ओनली फिंगर। ऐसे बजाओ, देखो जो सिलेंडर वाला कहता है वो जोर से मारो ना, इससे इससे ये पूरा अंदर चला जाएगा। सो गाइस, फिलहाल राजा बैंड बजाएगा। तू क्या मुंह से बैंड बजा रहा है भाई? ले बैंड एक ले भाई, कैरी ऑन। भाई अगर राजा बैंड ना बजाए तो गाना अधूरा नहीं हो जाएगा। राजा बजेगा, तेरा बैंड बजा। राजा किक नहीं है? नहीं है, चुहा को बगा रहा है। चुहा को ना कुछ जाते ना चुहा। सो गाइस, क्या तरकीब अपनाई है बंदे ने, अंदर चुहा घुस गया इसलिए रेस कर रहा था। सो गाइस, बैंड पार्टी आ गए सकल छुपाते हुए। गाड़ी लेके आ रहा है ए भैया, ओ राज जय जय मां जय जय जय। बाकी चलो चलो ऊपर थाली लेके आए। ए राजा, ए ऋषि, ए ऋषि एक झलक दिखा दो दे। तो देखो गाइस कैसे शर्माते हुए जा रहे हैं बंदे लोग। भाभी जैसलीन, तो कैसे हैं आप लोग? ये आपकी क्या है, जिटोट मतलब? अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी। सो गाइस ऐसे लेके जाएंगे मंदिर जी। हाथ से ले लो, वो ढोल बजा लेगा। ढोल कौन बजाएगा? तो मैं ले लो उसके हाथ से। सब लोग तैयार हैं? जैसलीन भाभी तो गाइस दर्प को मंदिर जी लेकर गए, पर मैं प्रॉपरली शूट नहीं कर पाया। अभी पख्याल करके निकल गया हूँ, गाड़ी लेके आनी है मेरे। टाइम फिलहाल 7:40 हो रहा है। ओके, चल चल के जा रहा हूँ, कोई साधन मिल जाए, आई मीन कोई लिफ्ट। सो गाइस कोई मिला नहीं, चल चल के ही पहुँच गया, आधा दूर और आधा दूर बस, और आधी दूर और है। तो चल चल के पहुंच गए हम अपनी स्कूटी के पास, और एक भाभी जी ने टास्क दिया है, कुछ मंदिर की डब्बी है जिसमें दर्प रखा है, वो लेकर जाना है, उनको मंदिर जी में देना है। तो लेट्स गो गाइस, वहीं चलते हैं। मम्मी को देनी है ये गोलू दीदी की, मम्मी को जानता है, उनको दे दे डब्बी, ठीक है? सो मंदिर की डब्बी तो दे दी, डायरेक्ट अब दुकान पे मिलते हैं गाइस। आज टीचर्स डे है। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए दुकान। ओके, तो वैसे तो मैं रेगुलर 9:15 या 9:10 को आता हूँ, आज जल्दी आना पड़ा बिकॉज आज टीचर्स डे है। कुछ कुछ स्टूडेंट घूम रहे होंगे गिफ्ट्स के लिए, वो भूल गए होंगे तो सडनली उनको याद आया होगा, तो वो लोग आ सकते हैं कभी भी, तो उनके लिए मुझे आज जल्दी खोलना पड़ा। वो बेचारे परेशान नहीं हुए इसीलिए मैंने जल्दी खोल दी दुकान। तो कल रात को एक्चुअली 10 बजे मैंने दुकान क्लोज की है, मतलब क्यों बोले से 10 बजे तक बच्चे लोग आ रहे थे टीचर्स के लिए गिफ्ट लेने के लिए। प्रॉब्लम हुआ क्या था कि 1 बजे के बाद ना बारिश हो गई थी, तो बारिश में वो लोग आ नहीं पाए, तो रात को ही आए सब लोग। किसी का 6 गिफ्ट था, किसी का 8 गिफ्ट था, किसी का 5 गिफ्ट था, कोई कोई बाहर से भी लेके आ रहे थे, उन लोगों का भी पैकिंग किया। मैं नहीं करता बिकॉज इतना भीड़ है, इतने लोगों का पैक करना है, तो मैं उन लोगों का कर नहीं रहता। फिर मैंने लास्ट में सोचा कर ही लेता हूँ, फिर वो लोग जाएंगे कहाँ,
तो उसी वजह से मुझे करना पड़ा। तो उन लोगों का भी मैंने पैक किया, कोई कोई बाहर से जैसे ड्रेस वगैरह लेकर आए तो उसको पैक कर करके दिया है मैंने। तो कल बाहर का गिफ्ट और मेरा गिफ्ट, टोटल मैंने कम से कम कल 120 गिफ्ट पैक किया है मैंने। बाहर के भी थे आधे, आधे हमारी दुकान के थे, तो 120 गिफ्ट मैंने पैक किया है। और साहिल भी नहीं था, अकेला ही किया मैंने। तो फिलहाल दुकान ओपन करता हूँ, साहिल तो आ ही जाएगा 9 o'clock को। ओके तो गाइस, जैसे कि मैंने बोला था सुबह सुबह कोई भी आ सकता है, तो आ गए सब्सक्राइबर्स गिफ्ट लेने के लिए। मतलब दुकान अभी तक ओपन नहीं हुई है, इसीलिए मैंने आज सुबह जल्दी खोली कि ये लोग भूले भटके आएंगे ही आएंगे, है ना। हाँ भाई, हाँ भाई, भाई। कल आ नहीं सकते थे, कल नहीं यार टाइम नहीं हुआ था। कल यार टाइम नहीं हुआ। अब हम करेंगे इसको पैक। ऑर्डर हो गया होगा तो ले जाएंगे। क्या क्या ऑर्डर दिए थे? हाँ? नहीं, वो समोसे सब ऑर्डर दिए थे कल। जो कल ना, हाँ, कहाँ पे दिए ऑर्डर? ये हमारे भाई वो एक स्वीट्स है ना, वहाँ। लड़का देखो, यही आया था ना, यही है। ये नहीं आया होगा और दूसरा आया होगा। ये तो इसको स्टिकर लगाना है क्या? हाँ नहीं 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 लोग में चले गए, प्राइवेट है, लोग में चले गए। क्या ब्लॉग में चले गए? ब्लॉग में चले गए, छपरी जैसा हो रहा है, जो भी हो रहा है सब सूट हो रहा है। नहीं यार, उसे कॉप कर दो यार प्लीज, वो सिचुएशन देखा जाएगा। नहीं 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 प्लीज प्लीज, हाँ 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 यही है हसीम। टेक इट ब्रो, थैंक यू ब्रो। कुछ बोल रहा था, बोल अभी। नहीं बोल रहा था, कुछ बोल। नहीं नहीं बोल ना, तेरा दोस्त सूट कर रहा है बेटा। नहीं 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 नहीं, देखो इसको रैप कराने के लिए चलते फिर रहे। ओके, तुम्हारी कौन सा स्कूल है तुम्हारा? कहाँ पर है? हिल्ली के पास। हिल्ली के पास है क्या? तो ये कहाँ कहाँ से लाए हो भाई? ये क्या लाए हो, कब लाए हो? क्या हो चुका है, बस ये 3 रह गया। तो गाइज देखो, अगेन एक और स्टूडेंट आया, घूमते फिरते आया, उसको मेरी दुकान मिली और आया, फिर पैक करके लेकर गया। मतलब वो गिफ्ट बाहर से लाया था, मैंने सिर्फ रैपिंग किया है, तो उनका काम हो गया फाइनली। बस वही चाहिए, कोई परेशान ना हो बस। मोबाइल चाहिए। तो गाइस फिलहाल टाइम हो रहा है 10:30 और भाई हमारा एक सब्सक्राइबर भाई आया है। सब्सक्राइबर नहीं है, हमारे स्कूल में पढ़ता था। हेलो। तो दो साल जूनियर है, इसका नाम मोंटू है। ये हमारे स्कूल के जो ग्रुप है उसमें लिंक डालते हैं ना, तो वहाँ से ये देखा था। बिल्कुल, चैनल कैसा चल रहा है? बढ़िया जा रहा है। तो गाइस ये भवानी पटना से आया है। ओके, तो गाइस वो जो स्मॉल चाइल्ड आई थी ना, वो डिसऑर्डर है, आई मीन एबनॉर्मल है, तो उनके पापा मम्मी बोल रहे थे, पर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी है, बहुत क्यूट है। ओके, ऐसे हेलो बोलोगे तो हेलो बोलेगी, बाय बोलोगे तो बाय बोलेगी, कुछ भी बोलोगे तो रिप्लाई करेगी। गाइस फिलहाल टाइम हो रहा है 3:30 और अभी मैं ये ड्रेस चेंज करके आ गया, बड़ा दिमाग खराब हो रहा था वो व्हाइट कलर का जो पहना था। फिलहाल सब्सक्राइबर आए हैं, अभी तक इन लोगों का टीचर डे स्टार्ट नहीं हुआ है। टीचर डे स्टार्ट नहीं हुआ है इन लोगों का? नहीं, हो गया सुबह, हो गया। अभी गिफ्ट लेके आ रहे हो पैक करने के लिए? ओ, अब ट्यूशन का, ट्यूशन का शाम को, सुबह स्कूल का। कैरी ऑन, चलो ठीक है, मैं इसको पैक करना है ना। हाँ। तो गाइस फिलहाल अभी मंदिर जी आए हैं, यहाँ पर क्या चीज, क्या है प्रोग्राम? आज धूप का प्रोग्राम है, धूप अस्तनी है। हाँ। अच्छा, तो तू इंट्रोडक्शन देगा ना? नहीं, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे? तो गाइस मैं प्रॉपरली प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ, स्वाति से पूछते हैं, वो बताइए क्या है आज? धूप दशमी। तो धूप दशमी है। ओके, रश्मि बता क्या है आज? धूप दशमी। धूप, तो उसने भी तो कोई बोला रहे। सौरभ क्या आज? दशमी। धूप दशमी, इसका प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट है। तो गाइस लास्ट टाइम मैंने बाइक चलाई थी, ओला बाइक, जो कि सूरज भैया के काजू फैक्ट्री में चलाई थी। आज सेम टू सेम ओला बाइक यहाँ पे रखी हुई है, तो हम चलाएंगे तो नहीं, चार्ज हो रही है, दूसरे की गाड़ी है, हम सिनेमेटिक शॉट लेंगे इसके साथ। दूसरी पेट्रोल गाड़ी में जैसे फील करते हैं वैसे ही यहाँ पर फील हो रहा है, मतलब करंट चार्जिंग हो रहा है, तो करंट इसमें फील हो रहा है, चार्जिंग जा रही है। अच्छा, फिर जब चार्जिंग पूरी हो जाएगी फिर अच्छे से चलेगी। अच्छा,
तेरे को नहीं क्या 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 आता है वो जो 24 तीर्थंकर भगवान के क्या नाम बताना थोड़े थोड़े तेरे को पूरे आते हैं धीरे 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 बोल कोई नहीं समझने वाला प्रॉपरली ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमित बोल पहले ऋषभ के बैल कचिन दूसरे अजित नाथ हाथी कचिन तीसरे संभव नाथ घोड़े कचिन तीसरे पदम प्रभु नहीं पहले ऋषभ के बैल कचिन दूसरे अजित नाथ हाथी कचिन भूल गया गाइस चौथे अभिनंदन बंदर कचिन पांचवे सुमति नाथ छठवे कचिन छठवे पदम प्रभु लाल कमल कचिन ये हाथ 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 क्यों लगा रहा है प्रभु ये तो गाइस अभी हम जाने वाले हैं स्कूटी पे मैं नहीं जा रहा भाई ये जाएंगे तो गाइस आज है धूप दशमी जिसमें हम क्या करते हैं धूप जलाते हैं तो लेट गो कोई चलाएंगे ओके यहां पर कैसे जलाते हैं मैं दिखाता हूं तो गाइस इसे मिलो ये राधा भैया का बहुत बड़ा फैन है क्या आप कुछ बोलना चाहते हो राधा भैया के बारे में नहीं क्या बोला बोल राधा भैया के बारे में क्या बोल रहा है किसको राधा भैया को मारेगा मारू तो गाइस 3 दिन से पकड़ी है ये गाड़ी आज फाइनली चाबी आ गई अब चाबी लेने जा रहे हैं हम लोग ओके अब कैसे रहे देखो गाइस यहाँ पर आया है मीना बाजार आज जाने का प्लान था पर देखते हैं जाएंगे कि नहीं जाएंगे सो गाइस ये है सौरभ की घर की गली कितनी हरियाली हरियाली है देखो चारों तरफ खाली हरियाली हरियाली तो गाइस कुछ ये सीन हुआ है कि चाबी खोई है ना तो हमने उसके पापा को बताया नहीं है चोरी करके ला रहे हैं और क्या तिजोरी में से ला रहे हैं जब वो चाबी मिल जाएगी तो फिर वो हम उनको सरेंडर कर देंगे तो सौरभ की मम्मी को तो पता है पापा को नहीं बताया गया और हाँ ये है हमारी बुलेट बाइक गौतम भैया की जो गौतम रबत भैया है ना उनका जो कंसल्टेंसी जो पढ़ाते हैं ट्यूशन उनकी बाइक है ये एक पूजा मैंने की ज्यादा नहीं कर पा रहे तो एक करके चलो जाइए और फिर वो तो वो बाहर बैठ बैठ के चलो वो मैं सोच रही कि पूजा कर रहा है और बाहर सूरज भी हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग मेरी मम्मी ने बोली थी मुझे मंदिर में पूजा करने के लिए मैंने वो नहीं की मैं बाहर जाके बैठ गया सूरज इतनी बात देते रहो वो पता पड़ गई देते रहो ऐसे कह रहो हेलो तो चेंज करो चाय पियो चाय बन रही है अभी चाय तो गाइस बातों बातों में हम भूल गए आज टीचर्स डे है तो हमारे लिए तो हमारी टीचर ये रहे ओके हैप्पी टीचर्स डे सर इधर भी और हमारी टीचर मम्मी है कुछ बोलना चाहते हो भैया तो गाइस फाइनली वो स्कूटी की चाबी हम ले आए एक्चुअली 3-4 दिन से स्कूटी की चाबी नहीं थी हमारे पास मतलब चाबी खो गई है तो अगर मुझे लग रहा है किसी कस्टमर के सामान में गलती से चला गया है बाय मिस्टेकली अगर किसी की में चला गया होगा तो प्लीज ला के दे देना गाइस उसकी एक ही चाबी बची है अब मेरे पास तो वो चाबी 3 दिन से खोई हुई है तो इसकी जो ओरिजिनल कॉपी चाबी है जो डुप्लीकेट वो इसके घर पे रखी थी लॉकर में और लॉकर की चाबी सौरभ की मम्मी लेकर गई थी बाहर तो वो आज 1 o'clock को आई तो फिर चाबी निकाल के दी है और सौरभ के पापा को बिल्कुल भी पता नहीं है कि चाबी हमने खोई है बोलकर पता नहीं शायद डांटेंगे तो नहीं खैर वो टेंशन ले लेंगे कि कहाँ गई इसीलिए हमने सच नहीं बताया है दूसरी बनवा लेंगे फिर बाद में बता देंगे हाँ ये सही रहेगा सो गाइज आज गए थे हम मंदिर जी में कुछ तो था मैं प्रॉपरली प्रोनाउंसिएशन भी नहीं कर पा रहा था धूप दशमी थी ओके और आज चाबी आई फाइनली 3 दिन बाद हम लोग स्कूटी पंडा की दुकान पर ऐसे उठा के रख रहे थे ओके तो अभी तो फिलहाल दुकान बढ़ाऊंगा मैं आया नहीं है साहिल तो गाइज इसके साथ ही मैं अपना ब्लॉग करता हूँ एंड अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी बाय सो ये गाइज मंदिर जी में प्रोजेक्ट किया गया था मतलब बच्चे लोगों ने किया था तो देखिए